सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं TPS एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन NPS, इन दोनों के बीच में सेम क्या है, सेम यानी कि उन दोनों की साम्यता क्या है, इन दोनों में सेम क्या आता है, उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, TPS वर्सेस NPS। इसको वर्सेस तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम इसके अंदर सेम देखने वाले कि इसके अंदर सेम क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ दोस्तों, तो जो देखो दोनों टाइप के पावर स्टेशन में स्टीम की मदद से यहाँ पे टर्बाइन को चलाया जाता है दोस्तों। टर्बाइन चलाने का काम यहाँ पे स्टीम की मदद से दोनों पावर स्टेशन में होता है। उसके बाद बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे कंडेंसिंग प्लांट है। उसके बाद बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है, वाटर ट्रीटमेंट, क्योंकि हम नदी वगैरह में से लेते हैं पानी, तो दोनों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए। उसके बाद बात करो दोस्तों, तो LP एंड HP हीटर की रिक्वायरमेंट रहेगी इसके अंदर दोस्तों, तो दोनों में सेम है। उसके बाद बात करो दोस्तों, तो यहाँ पे डिटोरेटर्स की रिक्वायरमेंट है, दोनों प्लांट में ये चीज़ें सेम रहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो दोनों प्लांट में काफ़ी मात्रा में कूलिंग वाटर चाहिए हमें, जो कूलिंग वाटर है काफ़ी मात्रा में चाहिए दोस्तों, तो दोनों प्लांट में वो भी सेम है। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों प्लांट में यहाँ पे जो वाटर चाहिए वो हम या तो नदी, रिवर, या तो फिर वॉल कहीं से भी, या फिर तो सरोवर ले लो, कोई डैम ले लो, वहाँ से हमें इसको लेना पड़ेगा दोस्तों। तो दोनों में सेम है। तो ये जो तीनों चीज़ दोस्तों मैंने बताई आपको, वो यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन, इन दोनों के अंदर यहाँ पे सेम रहती है दोस्तों। तो ये पूरा पॉइंट था दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल नंदा स्नादी को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसा है कि मान लो कि ये भी दोनों में सेम है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कर सकते हो कि ये भी दोनों में सेम है दोस्तों। आपका खूब खूब धन्यवाद।